दसवीं कक्षा या आईटीआई या एनएससी सर्टिफिकेट जो एनसीवीटी देता है, तीनों में से कोई भी एक क्वालिफिकेशन हो, 10 और आईटीआई और एनसीवीटी नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, तीनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया अगर व्यक्ति फुलफिल करता है तो वो एलिजिबल हो पार्टिसिपेट करने के लिए और सब पोस्ट के लिए। कुछ समय पहले ऐसा निर्णय लिया गया कि दसवीं के साथ आईटीआई और एनसीटीवीटी को भी जोड़ दिया जाए क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के लिए, जिससे थोड़ा बहुत लोगों को जानकारियां इन विषयों की रहे। और उसके बाद रेलवे तो ट्रेनिंग करती है, लेकिन ये निर्णय जनता तक पहुंचा नहीं था। और चार पांच दिन पहले जब इश्तिहार आया तब पहली बार लोगों को मालूम पड़ा। अब ऐसे काफी नौजवान थे, युवा युवती, जिनको ये जानकारी ना होने के कारण वो तैयारी कर रहे थे अपने इस एग्जामिनेशन के लिए, लेकिन आईटीआई या एनसीटीवीटी का उन्होंने कोर्स नहीं किया था जानकारी ना होने के कारण। तो मुझे बड़ी जायज लगी ये बात, हमने बोर्ड मेंबर्स ने सबने डिस्कस किया आपस में, सेक्रेटरी स्टाफ, चेयरमैन रेलवे बोर्ड, बाकी सब अधिकारियों ने, और मेरे साथ भी चर्चा की। और ये एक संवेदनशील सरकार है, ये सरकार ध्यान रखती है कि गरीब आदमी, नौजवान, युवा युवतियों के हित की हमको सबसे ज्यादा चिंता रहती है। और मुझे भी लगा कि अगर उनको पहले से जानकारी नहीं थी तो कैसे वो अपने आप को तैयार करते हैं इन पोजीशंस के लिए। तो जो पहले सिस्टम था कि दसवीं कक्षा के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं ये लेवल 1 की पोजीशंस के लिए, ग्रुप सी ग्रुप डी, वो हम पुनर्स्थापित कर रहे हैं। इस एग्जाम के लिए दसवीं कक्षा के लोग अप्लाई कर पाएंगे, हर एक कैटेगरी के लिए जो सी और डी में है उसके लिए एलिजिबल होंगे। ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी तरीके से उनका सिलेक्शन देश भर में होगा। और उसके बाद रेलवे का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसको हम और दुरुस्त करेंगे और मजबूत बनाएंगे, उसमें और मॉड्यूल्स डाल के जो सिलेक्ट हो जाएंगे उनको और ज्यादा अच्छी ट्रेनिंग मिले, जिससे वो देश की और रेलवे की सेवा और अच्छे तरीके से कर सके। ये भी निर्णय अभी बोर्ड ने और हमने मिलके ले लिया है। तो बहुत सडनली लोगों तक जाने के बाद उनको समय ना मिलने के कारण संवेदना अपनी दिखाते हुए सरकार ने निर्णय लिया कि इस एग्जाम के लिए दसवीं कक्षा सब कैटेगरीज के लिए रहेगी।